नमस्कार, आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सड़क छाप नेता अरविंद केजरीवाल को लेकर के बड़ा खुलासा हो चुका है कि किस तरह से उन्होंने दिल्ली में बस रहे यूपी और बिहार की जनता को दिल्ली से भगाने का काम किया। क्या है पूरी खबर जानेंगे इसे कि वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। आपके द्वारा इस वीडियो किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों कंजूसी ना करें, अभी से वीडियो को लाइक है वो जरूर कर दें। दोस्तों, यूपी और बिहार से आए हुए सभी मजदूरों को किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से खदेड़ दिया, इसको लेकर के इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर है उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। और साथ ही अरविंद केजरीवाल के सबसे नजदीकी नेता राघव चड्ढा को लेकर के भी बड़ा खुलासा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यूपी और बिहार से आए हुए कई ऐसे गरीब परिवार, किसान मजदूर जो दिल्ली में रह रहे थे, कहीं ना कहीं कॉलोनियों के अंदर, कच्ची बस्तियों के अंदर रह रहे थे, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उन सभी कॉलोनियों और इन बस्तियों का जो पानी कनेक्शन है और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो काट दिया। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार के अधिकारियों ने उन लोगों में डर पैदा कर दिया कि ये कर्फ्यू निश्चित तौर पर अगले 90 दिनों तक लगने वाला है, ये लॉकडाउन अगले 90 दिनों तक होने वाला है। यानी कि इस बात को सुनकर उन गरीब मजदूरों में एक तरह से हलचल है वो तेज हो गई, अफरा तफरी मच गई। और उसी का मोटा मोटा कारण रहा कि इस लॉकडाउन के चलते हुए भी दिल्ली में जो बस अड्डे हैं उन पर काफी ज्यादा भीड़ है, वो लोगों की जमा हो गई। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से टीवी के सामने आकर के दावे किए हैं कि उन्होंने 4 लाख लोगों के खाने की व्यवस्था की है, फ्री खाना, फ्री पीना, और इसके अलावा अन्य कई ऐसे जो कदम उठाए गए हैं जो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए काफी सेहतमंद है, मतलब अच्छे हैं, लेकिन धरातल पर जो यूपी बिहार के लोग हैं, मजदूर हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको निश्चित तौर पर कोई भी फायदा इस खाने का, फ्री खाने का या पानी का, किसी तरह का कोई फायदा नहीं मिला। इस वजह से उन्हें मजबूरन वहां से निकलना पड़ा है। दिल्ली के अंदर बड़ी ही अफवाह आम आदमी पार्टी के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा उड़ाई गई है। इस तरह की बात इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान का, उसमें कही गई है। और एक बात और बता देता हूँ, ये इंडियन एक्सप्रेस ना ही तो बीजेपी समर्थित है, ना ही कांग्रेस समर्थित है, यानी कि किसी पार्टी से रिलेटिव नहीं है। इस न्यूज़पेपर में बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल को लेकर के किया गया है और स्पष्ट बोला गया है कि वहां जो लोग मौजूद थे, गरीब परिवार मजदूर, उनमें अफवाह फैलाई गई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1000 बसों का इंतजाम किया है जिससे कि वो यूपी वापिस लौट सके उनके लोग। और इस बात को सुनकर के जो लोग वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए और दिल्ली की सरकार ने उन सभी गरीब मजदूरों को दिल्ली से बाहर निकालने के लिए वहां कई सारी डीटीसी की बसें चला दी जो दिल्ली से बाहर तक उनको छोड़कर आई। जो दिल्ली की बसें, डीटीएस बसें दिल्ली से बाहर नहीं जा सकती, वो कैसे दिल्ली से बाहर इन लोगों को छोड़कर आ सकती है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल समझ चुके थे, जिस तरह से एक बातें हो रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से टीवी पर बैठ करके कि 4 लाख लोगों को खाने की व्यवस्था की गई है फ्री, अब इनको इसको हम 8 लाख कर देंगे, परसों 32 लाख कर देंगे, इस तरह की बातें जो ये अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं ये बिल्कुल खोखली है। इस तरह का दावा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स के अंदर किया गया है और इस दावे के अनुसार स्पष्ट बोला गया है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ता और उनके अधिकारियों ने इन सभी मजदूरों को डराने का काम किया, इनमें अफवाह फैलाने का काम किया कि ये लॉकडाउन अगले 90 दिनों तक रहेगा, इस तरह की बात इन्होंने वापर की है। इसके अलावा उनके पानी और बिजली का कनेक्शन काट दिया जिसकी वजह से वो भूखे मरने की नौबत उनमें आ गई। और जिस तरह से 1000 बसों के यूपी से आने की अफवाह फैलाई गई उसके बाद इन मजदूरों में काफी ज्यादा अफरा तफरी मच गई और हर कोई अपने घर लौटने के लिए तैनात हो गया, मतलब तैयार हो गया कि वो किसी न किसी तरह से अपने घर को वापिस चला जाए। इस वजह से दिल्ली के अंदर इतनी भीड़ है वो हुई है। और इस बात का खुलासा जैसे ही हुआ तो उसके बाद
दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष हैं और अरविंद केजरीवाल के काफी नजदीकी नेता है राघव चड्डा, उसने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि सूत्रों से खबर मिली है कि यूपी के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं वो वहां पैदल जाने वाले लोगों को पीट रहे हैं, सड़कों पर पिटवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरह की अफवाह फैलाई गई। और बताया ये भी जा रहा है कि इस बात को लेकर के इस राघव चड्डा के प्रति के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। लेकिन इस तरह की अफवाह आम आदमी पार्टी के लोगों द्वारा, इनके अधिकारियों द्वारा, इनके कार्यकर्ताओं द्वारा फैलाई जा रही है, जिसके बाद निश्चित तौर पर दिल्ली की राजनीति एक तरह से कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल के प्रति अब लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि अरविंद केजरीवाल के प्रति लोगों को घृणा हो रही है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने थर्ड ग्रेड की राजनीति की है, टीवी के सामने आकर के कुछ बोल रहे हैं और धरातल पर कुछ चल रहा है, उनके पानी बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, उनको वहां से भगाया जा रहा है एक तरह से, कि अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि दिल्ली के अंदर यदि एक भी व्यक्ति की डेथ होती है भूख की वजह से, भूखे मरने की वजह से, तो उनकी राजनीतिक दरी की दरी रह जाएगी, दिल्ली सरकार की काफी ज्यादा खिलाफत होगी। और ऐसे में निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल ने ये थर्ड ग्रेड की राजनीति को अंजाम दिया और उन्होंने निश्चित तौर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी सहित बीजेपी को बदनाम करने के लिए इस तरह से उनको दिल्ली से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। और उनमें अफवाह जो फैलाई गई कि यूपी के सीएम 1000 बसों की व्यवस्था कर रहे हैं, ये जो अफवाह फैलाई गई इस वजह से वहां पर इतने ज्यादा मजदूरों की संख्या हो गई। लेकिन दोस्तों एक सोचने वाली बात है कि यदि उनमें से इस महामारी से एक भी व्यक्ति संक्रमित हुआ तो अब इसका अनुमान है वो कैसे लगा सकते हैं आप कि कितनी संख्या इस महामारी के संक्रमण की हिंदुस्तान में हो जाएगी। और अब थर्ड ग्रेड की राजनीति जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने की है वो एक तरह से अब इस राजनीति के प्रति, इनके नेताओं के प्रति, आम आदमी पार्टी के नेताओं के प्रति लोगों को घृणा होने शुरू हो चुकी है। एक व्यक्ति द्वारा किए गए ट्वीट के अनुसार ही बताया गया है कि इनका जो खाना पीना बंद कर दिया गया, 1000 बसों का आगमन होने वाला है यूपी से, इस तरह की अफवाह इनमें फैलाई गई, जो इनका पानी का कनेक्शन है वो भी काट दिया गया, इस तरह का एक ट्वीट भी आया था। और इंडियन एक्सप्रेस में जो खुलासा हुआ है अरविंद केजरीवाल की सरकार का, वो एक तरह से माना जा सकता है कि कई दावे इस इंडियन एक्सप्रेस अखबार के अंदर किए गए हैं। इस न्यूज़पेपर में स्पष्ट बोला गया है कि अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ताओं और उनके अधिकारियों द्वारा अफवाह फैलाई गई, इसी वजह से मजबूर होकर उन मजदूरों को अपना घर है वो छोड़ना पड़ा। जब 4 लाख से ज्यादा लोगों को खाना फ्री दिया जा रहा है दिल्ली में, तो उन लोगों को क्यों नहीं नसीब हुआ जो हजारों की संख्या में इन बस स्टैंड आए, अब वहां पर खड़े थे, जो काफी लोग थे जो अपने घर वापस लौटना चाहते थे, यदि उनको खाना और पानी वहां पर मिल जाता तो निश्चित तौर पर वो वापस नहीं लौटते, पिछले 3-4 दिन में नहीं लौटे तो अचानक ही एक दो दिन में ही कैसे वो निश्चित तौर पर अपने घर जाने को उतारू हो सकते हैं, क्योंकि उनका पानी और बिजली सब कुछ बंद कर दिया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आदेश निकाला है कि उनके जो राज्य के अंदर जो भी किराएदार हैं, गरीब किराएदार, उनसे किराया इस 1 महीने का नहीं लिया जाएगा, मकान मालिक को सख्त है वो बोल दिया गया है। इसके अलावा अगर वो बिजली पानी का बिल नहीं भरा पा रहे हैं तो उनका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, इस तरह की बात भी योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं। और जब दिल्ली में चुनाव हुआ उस टाइम वोट लेने के लिए सबसे आगे अरविंद केजरीवाल, और जब इन गरीबों की रक्षा की बात आई, इनके पेट भरने की बात आई, तो अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से थर्ड ग्रेड की राजनीति करनी है वो शुरू कर दी। यानी कि वोट लेने में सबसे आगे हैं और थर्ड ग्रेड की राजनीति करने में भी सबसे आगे हैं, लेकिन अब इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अनुसार अरविंद केजरीवाल सरकार का दावा खोखला होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इस तरह की कोई व्यवस्था की भी गई है तो धरातल में इन मजदूरों को निश्चित तौर पर इसका लाभ है वो क्यों नहीं मिला, यदि मिला होता तो निश्चित तौर पर ये दिल्ली के अंदर ही
रहते। कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल को लेकर के अब लोगों में गरना पैदा हो चुकी है। यूपी बिहार से आए हुए इन्हीं मजदूरों ने अरविंद केजरीवाल को जिताया था बंपर वोटिंग के जरिए, लेकिन अब इन्हीं को जिस तरह से इन्हीं पर राजनीति करनी है वो शुरू कर दी है और आम आदमी पार्टी की राजनीति पर किसी तरह का दाग ना लगे, अरविंद केजरीवाल की सरकार पर किसी तरह का दाग ना लगे, इस वजह से निश्चित तौर पर इन्होंने अब कोई व्यक्ति खाने की वजह से भूखा ना मर जाए इसलिए इन्होंने इनको वहां से निकालने का काम किया है। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार है, अरविंद केजरीवाल की थर्ड नीति को लेकर के आपके क्या विचार, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार को लेकर के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर जो दावा किया गया उसमें कितना दम है, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।